मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। जीवन से संबंधित जितना भी शुभ कार्य करना हो, चाहे मकान की नींव रखनी हो, चाहे व्यवसाय का शुभारंभ करना हो, चाहे वर वरण या कन्यावरण करना हो, लड़की विवाह के लिए पसंद करना हो या लड़का विवाह के लिए पसंद करना हो, हर कार्यक्रम की शुरुआत में आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, उनकी पीताम्बर की छवि अपने मन में ध्यान करते हुए शंख चक्र गदा पद्म की और कार्य का शुभारंभ कीजिए। निश्चित रूप से आपके कार्य में कभी विघ्न और अवरोध नहीं आएगा। नगर में पहले भी पंडित जी आप सभी को कई बार रुद्राक्ष में छिपी हुई शक्तियों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं कि आपका जैसा प्रोफेशन है, आपका जैसा करियर है, उसके हिसाब से आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है ताकि आप अपने करियर, अपने प्रोफेशन का पूरा लाभ उठा सके, अपने करियर में चार चांद लगा सके। वही अगर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, बैंक मैनेजर हैं, या फिर आपका खुद का कारोबार है और अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से चले, तो ऐसे में आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसे पूरा एक घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं, तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0102046025034 और 0602504। लेकिन सबसे पहले तो ये जानते हैं कि अगर हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, या फिर जज हैं, या फिर बैंक के मैनेजर हैं, तो ऐसे में हमें अपने रुद्राक्ष को धारण करके किस तरह से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए और किस तरह का रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, बात अगर हम रुद्राक्ष की कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा बहुत शक्तिशाली होता है, कई बार आपने हमें बताया भगवान शिव के आंखों की मोती की तरह है, पंडित जी किस तरह का ये लाभ हमें पहुंचाएगा अगर हम अपने करियर के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से इसे पहनते हैं? भगवान शिव के आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष बना, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगर अवलोकन किया जाए तो उसमें रुद्राक्ष की उत्पत्ति की और रुद्राक्ष के प्रयोग का वेद व्यास जी ने विस्तृत वर्णन किया है। उसी के आधार पर आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रुद्राक्ष जो कलयुग में साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है, जिसको धारण करने पर म्लेच्छ से म्लेच्छ और पापी से पापी व्यक्ति भी तर जाता है। ऐसे रुद्राक्ष के गुण, किस प्रोफेशन वालों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप फिजिशियन हैं, डॉक्टर हैं, तो आपको 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष गले में लाल धागे में धारण करना चाहिए। अगर आप सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं, तो 10, 12 और 14 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। लेकिन यदि आप न्यायपालिका में न्यायाधीश हैं, तो आपको चाहिए कि आपका न्याय सुंदर हो, इसके लिए 2 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए लाभकारी होगा। आप जानते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष जहाँ चंद्रमा को ठीक करने के लिए धारण किया जाता है, वहीं 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति की स्वविवेक की क्षमता बहुत उत्तम हो जाती है। अगर आप वकालत करते हैं तो 4, 6 और 13 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। ये बुध का रुद्राक्ष जहाँ बुद्धि को प्रखर करता है, वहीं आदमी के अंदर बाड़ी में भी कौशल प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। बैंक में यदि आप काम करते हैं या बैंक मैनेजर हैं, तो आपको भाग्योदय के लिए 11 और 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 14 मुखी और गौरी शंकर रुद्राक्ष कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए बहुत लाभकारी होता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के हार्डवेयर का काम करते हैं, उसके रिपेयर का काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष मंगल के लिए प्रयुक्त होता है, 9 मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर आप पायलट हैं या वायुसेना में अधिकारी हैं और आए दिन
आपको हवाई यात्रा पे जाना पड़ता है तो आपको 10 और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसके मालिक हैं, या रेस्टोरेंट में आप नौकरी करते हैं तो 2, 4, 6 और 11 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। इस तरह के रुद्राक्ष को धारण करके आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन प्रोफेशन के अलावा अगर आप कपड़ा कारोबारी हैं या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो ऐसे में आपको कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करना है जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं राशियों का दैनिक राशि फल में। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला असर देने वाला है। जहां धर्म कर्म और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा वहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहेगा और परिश्रम करने पर व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको आज अकारण क्रोध आ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आज आप काफी धैर्य रखें और प्रसन्न रहने की कोशिश करें। मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका एक माला जप कर लेने पर क्रोध पर आपका नियंत्रण अवश्य रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृषभ राशि के जातक दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट महसूस करेंगे। आज आपके जीवन साथी से मतभेद होने की स्थिति बन रही है। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने का योग बन रहा है। पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आप समय देंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर ले। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी और आज दिन की शुरुआत आपके बहुत अच्छे कार्य से हो चुकी है। माँ का सुख और माँ का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम गुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जहां आज आपकी यात्रा लाभकारी होगी वहीं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और पिता के मार्गदर्शन में यदि किसी कार्य को आप शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपके यश कीर्ति का चारों दिशाओं में विस्तार होगा। आज आपको चाहिए कि चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः आप एक माला जरूर जप लें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपको कार्यक्षेत्र में किसी भी कारोबार से संबंधित आपका कार्यक्षेत्र है ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो कौन से रुद्राक्ष को धारण करने से आपको फायदा हो सकता है। यदि आप कारोबारी हैं, अगर आप सिनेमा घर चलाते हैं, अगर आप थिएटर के मालिक हैं या फिर फिल्म से जुड़े हुए हैं तब आपको किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए कैसा होना चाहिए रुद्राक्ष। देखिए अब ग्लैमर के दुनिया की बात करते हैं। अगर आप सिनेमा घर चलाते हैं या थिएटर चलाते हैं या आपका कोई स्टूडियो है या फिल्म के आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो इन सभी लोगों को चाहिए एक मुखी जो अत्यंत दुर्लभ है, चार मुखी जो बुध के लिए धारण किया जाता है, छह मुखी शुक्र के लिए धारण किया जाता है और 11 मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। अगर आप किसी फैंसी स्टोर और सौंदर्य प्रसाधन से बनाने वाली कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हैं या आप इसका व्यवसाय करते हैं, दुकानदार हैं तो आपको 6 मुखी, 4 मुखी और 11 मुखी रुद्राक्ष बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। लेकिन
यदि आप कपड़ा व्यवसायी हैं, वस्त्र से जुड़ा हुआ व्यवसाय करते हैं, तो दो मुखी या चार मुखी रुद्राक्ष गले में या हाथ में आपको पहनना चाहिए। अगर आप ठेकेदार हैं तो 11 मुखी, 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लगे हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हैं, चाहे प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ या किसी बिल्डर के यहाँ नौकरी करते हैं, रियल इस्टेट में काम करते हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़े और आपकी बातों का असर हो। इसके लिए आपको 3 मुखी, 4 मुखी, 10 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आपको शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए। लेकिन जो लोग मार्केटिंग और फाइनेंस के काम में लगे हुए हैं, उनको चाहिए कि 9 मुखी, 12 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। निश्चित रूप से इससे आपको अपने कार्य में सफलता आसानी से मिलती हुई दिखाई देगी। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अनुसार एक खास तरह का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भाई कितने मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है आपके करियर के हिसाब से, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं, ताकि आपको अपने करियर का पूरा पूरा लाभ मिल सके। चलिए पंडित से जानते हैं, यदि हम संगीतकार हैं या फिर राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष परम लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, ऐसी स्थिति है कि हम संगीत से जुड़े हुए हैं, संगीतकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं या फिर राजनीति से जुड़े हैं, तब क्या करें? देखिए, संगीतकारों के लिए तो ये कहना चाहूंगा कि जिसका बुध ग्रह अच्छा नहीं होता है वो कभी संगीतकार बन ही नहीं सकता है, क्योंकि विशुद्धि चक्र पे बुध ग्रह की उपस्थिति ही एक उत्तम संगीतकार, उत्तम कवि को जन्म देता है। ऐसे में संगीतकारों को और कवियों को 9 मुखी और 13 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी होता है। लेकिन जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, उनको 1 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। 1 मुखी रुद्राक्ष बड़ा ही दुर्लभ है। प्रशासनिक और अधिकारियों को 1 और 14 मुखी रुद्राक्ष सफलता दिलाता है, लेकिन 1 मुखी रुद्राक्ष जो काजू के दाने वाला है, ये लाभकारी नहीं है और ना सच्चाई से इसका कोई वास्ता है। बैंक कर्मचारियों के लिए 4 और 11 मुखी का रुद्राक्ष सुपकारी होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी में जो सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को 4 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ऐसा धारण करने पर निश्चित रूप से भगवान शिव जहाँ भाग्योदय में सहायक होते हैं, वही व्यक्ति की जीवनचर्या, जीवन शैली इतनी परिमार्जित हो जाती है कि उसे समाज में मान सम्मान के साथ साथ सफलता भी प्राप्त होती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक कर लेते हैं अगली राशि का, जो कि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातक यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए दिन उत्तम है। आज आप प्रॉपर्टी की दिशा में कुछ भी कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तो उसका परिणाम आपको शुभकारी होगा। आज आपकी सोच सकारात्मक रहेगी, आप पॉजिटिव बने रहेंगे, लेकिन आपके शत्रु आपके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। पिता का सुख और आपको सहयोग प्राप्त होगा। शत्रु आपके ऊपर प्रभाव न बना पाए, इसके लिए आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए, और यदि सूर्य को अर्घ देने में देरी हुई है तो कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र का जप आपको जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ कन्या राशि की ओर, जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को अपने क्रोध पर और अपने वाणी पर, दोनों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, वरना कोई भी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उत्तेजना में आकर के आप कोई कार्यवाही आज के दिन कदापि न करें। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी, सिर्फ आपको धैर्य धारण करना है। और यदि आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं, तो जाइए, आपको सफलता भी मिलेगी। आज आपकी कोई एक बड़ी इच्छा पूरी होने की पूरी संभावना है। आज
भगवान श्री हरि विष्णु की आपको उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चलिए पहले ये जान लेते हैं उन लोगों के लिए खास करके जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि भाई आज का दिन उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आया है। चलिए एक बार फिर से जानते हैं पंडित जी से, मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप धर्म कर्म और पूजा पाठ में आज के दिन समय देंगे। आज आपकी विचारधारा सकारात्मक रहेगी। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव दूर होगा और यदि व्यवसाय में आज आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आपको अकारण क्रोध बढ़ सकता है, इसलिए आप मन में धैर्य रखें, जल्दबाजी न करें और ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी के कारण मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए आज एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने की कोशिश करें। आज कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है और पूजा पाठ धर्म कर्म में आप आज समय देंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको चाहिए कि ओम सुम शुक्राय नमः का एक माला मंत्र जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा में चार चांद लगेगा। अगर आपका कोई प्रेम प्रसंग है और उसमें स्थिरता आ गई है तो निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए यह प्रेम प्रसंग आपका सफल होने वाला है। आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। माता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आज आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का एक माला जप अवश्य कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि आज आपका दिन बहुत अच्छा है। यदि आज के दिन आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिसके कारण आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपको चाहिए पिता का आशीर्वाद लें और पिता के मार्गदर्शन में आज अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज आपकी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आज का दिन आपके लिए यादगार होगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नया घर खरीदने के लिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आज आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आपके शत्रु आपके ऊपर प्रभावी होने की चेष्टा करेंगे, इसलिए आपको चाहिए कि आज आप अपने पिता के ही राय से सारे कार्यों को परिणाम देने की कोशिश करें। आज आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और वाणी पर संयम रखिए। किस्मत हर जगह हुए से आपका आज साथ देने वाली है और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आज आपकी कोई एक बड़ी इच्छा जरूर पूरी होगी। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं या फिर अगर आप टीचर हैं या फिर आप एक लेखक हैं तो ऐसे में आपको कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ताकि आपको आपके प्रोफेशन का पूर्ण फायदा मिले। आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, जो लोग रक्षा विभाग में हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, या सिक्योरिटी के भी काम में यदि आप लगे हैं तो आपको नवमुखी और तेरह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नवमुखी रुद्राक्ष मंगल के प्रभाव को अच्छा करने के लिए ही धारण किया जाता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो दस मुखी और ग्यारह मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। लेकिन जो लोग सिविल इंजीनियरिंग के काम में लगे हुए हैं उन्हें आठ मुखी और चौदह मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सफलता मिलेगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों को चाहिए कि आप लाभ के लिए सात मुखी और ग्यारह मुखी रुद्राक्ष धारण करें। रेल बस और कार चलाने वालों के लिए सात मुखी और दस मुखी रुद्राक्ष सुपारी होता है। प्रोफेसर और अध्यापकों के लिए चार मुखी छह मुखी और चौदह मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर अपने कार्य में सफलता मिलती है। यदि आप लेखक हैं या प्रकाशक हैं तो आपको
एक मुखी, चार मुखी, आठ मुखी और ग्यारह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे आपके प्रकाशन का कार्य निश्चित रूप से दिन दुना रात चौगुना उन्नति करेगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली राशि का जो कि है तुला राशि। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातक जिस भी यात्रा पर निकलेंगे ये यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। समाज में आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। निश्चित रूप से काम में व्यस्तता के कारण या काम की अधिकता के कारण थोड़ा सा आपका शरीर थका थका रहेगा। माता का सुख और माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीम श्री ऐ नमः, इस मंत्र का एक माला आप जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। राशियों में अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के वो जातक जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनकी सेहत में गिरावट की संभावना देखी जा रही है। लेकिन यदि आप युवा हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और पराक्रम की भी वृद्धि होगी। आज अगर कोई प्रयास आप करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता भी मिलेगी और परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज आपको चाहिए कि सुंदर कांड का पाठ जरूर कर लें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आ गई है धनुराशि की। जानते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है। जहां मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा वहीं कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। यदि विदेश में आपकी कोई पेमेंट फंसी है तो उसके शीघ्र ही आने की संभावना बन रही है। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आप जहां भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं वहां आपके उत्थान का और आर्थिक स्थिति के मजबूती के संकेत मिल रहे हैं। आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए कि ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः, बृहस्पति के तंत्रोक्त मंत्र का एक माला जप आप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बढ़ते आगे, रुक करते हैं मकर राशि का। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला है। जहां आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काफी आप प्रसन्नता महसूस करेंगे, वहीं परिवार के लोग बीमार हो सकते हैं और उनकी दवा पर आपका ज्यादा धन व्यय हो सकता है। पूजा पाठ और धर्म कर्म पर आज आपको समय देना चाहिए और मां के आशीर्वाद से ही किसी कार्य का आज आपको शुरुआत करना चाहिए। ओम संघ शनश्चराय नमः, इस शनि के पौराणिक मंत्र का आप जप कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर जो कि कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को अपना ही रुका हुआ धन प्राप्त होने का पूरा पूरा संयोग बन चुका है। व्यवसायी यदि आप हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है। आज आपके हर कदम पर सफलता आपका साथ देने वाली है। लेकिन मेहनत काम की अधिकता होने के कारण आपको ज्यादा ही करनी पड़ेगी। आज यदि आप अपने धन का कहीं पे निवेश कर रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसिस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के लिए दिन मिला जुला फल देने वाला है। जैसे आज आपका स्वास्थ्य गिरावट की तरफ रहेगा, अर्थात आपकी सेहत खराब हो सकती है। परिवार में तो खुशी का माहौल रहेगा, आप पूजा पाठ और धर्म कर्म में समय भी देंगे और आपके दिन की शुरुआत किसी शुभ कार्य से हो चुका है। आज आपको चाहिए कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।